हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, TMKC ट्रेंडिंग मैथ्स की क्लास की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट ट्रिक मैं डाल चुका हूँ, आप लोगों ने देख भी ली होगी। जिसने नहीं देखी, ऊपर आई का बटन है, चाहिए और देखिएगा। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इसमें मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक की बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा। किसी भी क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं 8th से लेकर 12th तक, या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल ट्रिक्स हैं। पूरी एंड तक देखना वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत कॉमन है, आपके क्लासेस में भी आता है और आपके कॉम्पिटिशन में भी आता है। एक्स इक्वल्स टू रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स टिल इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक क्वेश्चन जा रहा है। आपको इसका आंसर बताना है। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। आप ये देखिए, इसका आंसर ना 3 आ जाएगा और इसका आंसर आपका आ जाएगा 10। मतलब मुझे कितना टाइम लगा, मुझे लगे 2 सेकेंड। वीडियो के बाद आपको भी 2 ही सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों ये होगा कैसे। ये कंसेप्ट है, आप जो भी सीरीज रिपीट हो रही है ना, जहां पर भी रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि इसका रिपीटेशन यहां से हो रहा है, क्योंकि देखो 6 से आगे स्टार्ट हो गई दोबारा, तो इसको हम वापिस एक्स मान लेंगे। ये इसका सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, लो वही कर लिया। नाउ इट बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको फैक्टर करने आते ही हैं, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसके फैक्टर हो जाएंगे। या तो ये 0 तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, और या फिर ये 0 तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। तो वी हैव टू वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई बच्चों, एक तो 3 और एक -2। नेगेटिविटी कहीं नजर नहीं आ रही मुझे, आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि रूट में नेगेटिव आंसर नहीं निकलता है। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया 3। ये तो इसका सॉल्विंग का तरीका था जो आप लोग क्लासेस में सीखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में कहाँ रिपीटेशन हो रहा है, 110 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहां रिपीटेशन है ना, उतनी वैल्यू को रोक कर आप उसको एक्स मान लीजिए। ये इसका सॉल्व करने का तरीका होता है। मैंने एक को रोका, बाकी सबको एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करा, आंसर निकल आया। अब व्हाट इज द ट्रिक, क्योंकि मैंने जो वीडियो ये बनाई है, जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, सिर्फ आपको ट्रिक्स बताने के लिए करी है। तो बच्चों, इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आपकी सीरीज प्लस में चलेगी या जब भी आपकी सीरीज माइनस में चलेगी, तो आप ये देखो कि जिस नंबर की सीरीज चल रही है उसके क्या कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर क्या होते हैं। बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होते हैं एक साथ वाले, जिनमें कॉमन डिफरेंस 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 6 है, ठीक है, इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर क्या होंगे, 3 × 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। या आप कह सकते हैं 2 × 3, समझ गए ना, मतलब 1 2 और 1 उसके अगला वाला, उसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर। कहने को तो आप 6 × 1 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करके देखो, ठीक है। उसके बाद सीरीज देखो किसमें है, प्लस में या माइनस में। तो बच्चों, ट्रिक ये है, आप करके देखेंगे पहले कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर सीरीज प्लस में है तो आंसर होगा बड़ा वाला, और अगर सीरीज माइनस में है तो आंसर होगा छोटा वाला। अब ध्यान से देखो, ये सीरीज हमारी प्लस में थी, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा है 3, तो ये हमारा आंसर था और ये हमने पहले आंसर निकाला था। इज इट क्लियर, खत्म, मतलब सेकंडों में आंसर आता है। आप ये देखो, इसमें इसमें 110 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर 11 और 10 ही होंगे, और कोई फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं 22 × 5, ये भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, समझ रहे हो ना बात। आप कह सकते हैं 55 × 2, बट कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर नहीं है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हैं वो आपको करने हैं सीरीज के, और उसके बाद आपको ये देखना है कि सीरीज नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर सीरीज पॉजिटिव में है तो आंसर बड़ा वाला उन फैक्टर्स में से, और अगर सीरीज नेगेटिव में है तो आंसर छोटा वाला। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द आंसर इज 10। इज दैट क्लियर, ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि सीरीज हमारी नेगेटिव में थी,
एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, पर पहले ट्रिक नोट कर लो कि एक्चुअल में ट्रिक है क्या। बच्चे ये ट्रिक है इसकी कि आपको पहले कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स, उसके बाद ठीक है अगर सीरीज आपकी प्लस में है तो जो आंसर होगा वो आपका बड़ा वाला होगा, बिग फैक्टर जो आ रहा है, और अगर सीरीज नेगेटिव में है तो आंसर आपका छोटा वाला होगा जो स्मॉल नंबर है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। सपोज मैं आपसे कहता हूं 56 माइनस 56 माइनस रूट ऑफ 56 माइनस टिल इनफाइनाइट, ये एक सीरीज चल रही है लेकिन नेगेटिव में है, ठीक है, तो 56 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करके देख लो और कुछ नहीं करना। तो बच्चों क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स, अगर आप देखेंगे 7 इंटू 8, क्या इसके अलावा कोई और कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो सकता है? 14 इंटू 4 भी हो सकता है बट नॉट कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव करने, कॉन्जिक्यूटिव। अब उसके बाद आप चेक करो सीरीज नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में ना, तो व्हाट इज आंसर? इन दोनों में से आंसर इज छोटा वाला, तो इसका आंसर आएगा 7। अगर आपको विश्वास ना हो ना तो इसको सॉल्व करके देख लो जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया था। अब मैं दो तीन क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं फटाफट, उसके आंसर आपको मुझे बताने हैं, मेरे साथ साथ बोलते रहना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए, आप लोग अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक सीरीज दिख रही है आपको प्लस में, एक सीरीज दिख रही है आपको नेगेटिव में। रूट वालों के लिए स्पेशल ट्रिक है ये, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे उसमें ये ट्रिक लग जाएगी, जितने भी क्वेश्चन रूट वाले होंगे, ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताओ 72 के मैं कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर कर लूँ? कॉन्जिक्यूटिव देखने हैं आपको, वैसे तो होने को 12 इंटू 6 बट नॉट कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो 8 इंटू 9, 8 9 72 होता है, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स। इसके बताना कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स क्या होंगे, इसके कॉन्जिक्यूटिव होंगे 12 इंटू 13 एंड दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स। तो आप एक बात बताओ बच्चों, ये सीरीज प्लस में है तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बड़ा वाला, दैट इज 9। ये सीरीज नेगेटिव में है तो आंसर कौन सा होगा? आंसर छोटा वाला, दैट इज 12। एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट इज योर ट्रिक। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी बच्चों, नहीं समझ आई रिवाइंड करो और देखो। एंड दिस इज द सेकेंड ट्रिक फॉर TMKC, ट्रेंडिंग मैथ्स की क्लास। ट्रेंडिंग मैथ्स की क्लास नाम मैंने दिया है, ट्रेंड आप लोग करेंगे, सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर देना बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको मुझे उसका जवाब कमेंट में लिख कर देना है, देखते हैं कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई है। क्वेश्चन है बच्चों, x इक्वल टू रूट ऑफ 2550 प्लस रूट ऑफ 2550 प्लस रूट ऑफ 2550 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर कि जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 50, 51, 101 या 25। अब a इसको मान लो, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आप लोगों को ऑप्शन सिर्फ मुझे कमेंट करने हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।